मौसम से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है सामने कि छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों अर्थात लगभग आधे प्रदेश में शुक्रवार को बादल छाए रहेंगे और कहीं कहीं हल्की बारिश के आसार बन रहे हैं। खाड़ी में बने एक सिस्टम के असर से नमी आएगी, इसलिए बादल छाएंगे। इसकी वजह से हवा की रफ्तार कुछ ज्यादा रहेगी, इसलिए दिन का तापमान भी गिर सकता है। हालांकि बादलों के कारण रात की ठंड में कुछ कमी आएगी। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार ऐसा मौसम 3-4 दिन रहने की संभावना है। इस दौरान उत्तर या उत्तर पूर्व से आने वाली ठंडी हवा का असर कम रहेगा। पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी और उससे लगे दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक अवदाब बना हुआ है, साथ ही ऊपरी हवा का एक चक्रवात भी है। इस सिस्टम के कारण प्रदेश के दक्षिण और मध्य हिस्से में बड़ी मात्रा में समुद्री हवा आएगी। समुद्र से आने वाली हवा के कारण नमी आने से बस्तर में कहीं कहीं पर मध्यम वर्षा भी होगी, साथ ही गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि रायपुर संभाग में भी हल्की बारिश या फिर बादल छाए रहने के संकेत हैं। बस्तर में नमी आनी शुरू हो गई है। जगदलपुर में रात का तापमान बढ़कर सामान्य से 1 डिग्री ऊपर रहकर 18 डिग्री के करीब पहुंच गया है। अन्य जगहों पर भी हल्के बादलों से रात का तापमान कुछ बढ़ा हुआ है। दुर्ग में पारा 1 डिग्री चढ़कर 13.8 डिग्री दर्ज किया गया है। बिलासपुर, पेंड्रा रोड, अंबिकापुर आदि शहरों में रात का तापमान अभी भी 12 से 13 डिग्री के बीच है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बने अवदाब की वजह से दक्षिण भारत के राज्यों में भारी से अति भारी बारिश हो सकती है। यह सिस्टम अगले 3-4 दिनों तक बना रहने वाला है। इस दौरान हवा की दिशा दक्षिण पूर्वी रहेगी, इससे छत्तीसगढ़ में भी बादल और बारिश की स्थितियां बनी रहेंगी। 15 नवंबर के बाद आसमान साफ होने लगेगा, तब हवा की दिशा फिर से उत्तर उत्तर पूर्वी होने पर ठंड में वृद्धि होगी। तो दोस्तों, ये था हमारे द्वारा बताए गए मौसम का हाल और मौसम की जानकारी। अगर आपको उपयोगी लगे तो इस वीडियो को लाइक, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर और हमारे यूट्यूब चैनल गूगल न्यूज छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे ऐसी इंटरेस्टिंग खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।